गर्मी तो खूब पड़ रही है लेकिन माँ को हौसलो बुलंद से, क्योंकि मैं अयोध्या देख पाया था वो भी थाईलैंड में, तो बतरी दूर आया था तो गर्मी सुखा इंडर पा। नमस्ते। आई एम फ्रॉम जयपुर। राम राम सा। नमस्कार, मैं राजेंद्र निवाड़ा और थे देख रहा छो राजू का सफरनामा। दोस्तों मैं दोन्यू बींद वीरणी घूम बैठा था थाईलैंड और अभी मैं जा रहा था बैंकॉक सु अयोध्या। आप डालो अयोध्या नहीं, अयोध्या इंडिया अयोध्या से और बिल्कुल सेम सो मिलतो जुलतो सो ही नाम से। तो अभी मैं था ना अयोध्या दिखावा भी ला इंडिया से करीब 50-70 किलोमीटर के बीच में से। तो मैं था ना बता दू कि जब मैं थाईलैंड आवा को प्लान कर रहा था तो मैंने पतो लागो कि पिंडे अयोध्या से, तो मैं जदी मैडम ने की हो कि आपा अयोध्या जरूर चाल रहा वाला। पिंडे भगवान बुद्ध का मंदिर जी खूब सारा प्राचीन मंदिर जिया मैं इंटरनेट पर देखा था। थाईलैंड मतलब अपनी हिंदू संस्कृति से मिलतो जुलतो देश ही से। इंडे बौद्ध धर्म का 95% लोग सी है ना, 5% में बाकी सब। तो इंडे को जो राष्ट्रीय चिन्ह से वो छे गरुड़, आपने जो विष्णु जी की सवारी हो चने गरुड़, तो वो गरुड़ से। और इंडे को जो राष्ट्रीय बुक से मतलब राष्ट्रीय पुस्तक पाचे रामायण, हालांकि मेरे को नाम थोड़ा सा अलग से, तो काफी कुछ मिलतो जुलतो से इंडे। तो था नहीं इंडे हर जगह मंदिर भी मिल जाएगा, मतलब मकान का किनारा पर छोटो सो मंदिर, होटल का किनारा पर, दुकान का किनारा पर, रोड का मतलब शहर में चौराया पर, तो बड़ो अच्छो शहर से और साफ सुथरो से सुंदर से। तो अभी चला था अयोध्या। इंडे का रास्ता देखो बिल्कुल अपना जियान का ही सी, अपना जियान का ही साइन बोर्ड सी। देखो ये निशान लग रहे ऊपरा ने ग्रीन बोर्ड पर व्हाइट अक्षरा से लिखोड़ा सी जी आपने लिखा रही थी और ऊपरा ने पुड़िया से। और अभी देखो सामान्य जो बड़ो सारो साइन बोर्ड आ रहे थे इक वाला अयोध्या लिख रहे थे, अयोध्या अंग्रेजी में। ओ देखो थे गौर सो अयोध्या और भी दो शहरा को नाम लिखोड़ो से। जिया कि आपने गाड़िया में गणेश जी की मूर्ति लगी रचा आगा ने भी यही इंडे भी गणेश जी की मूर्ति मिली ली था ना अधिकांश गाड़िया में, जत्री भी गाड़िया में बैठा बामे माने मिली गणेश जी को। बस थोड़ो सो मूर्ति को रूप अलग से, मतलब कमल का फूल पर विराजमान जी गणेश जी। तो देखो मैडम बता रही थे कि खूब सारा टूरिस्ट इंडे आवी सी जो बिंडे जाए सी। एक हिस्टोरिकल सिटी से मतलब पुरानी सिटी से और 700 साल पुराना बिंडे मंदिर सी महात्मा बुद्ध का, तो बड़ी प्यारी सिटी से हालांकि बड़ी कौन है। तो अभी मैं आ चुका था शहर के बिल्कुल बारह ने, मतलब एक गांव का एरिया का आउटर एरिया का। तो दोनों तरफ देखो रोड के काकी खेती वेरी से ए आगा केला का बगीचा, केला का बगीचा सी इंडे ए चावल का खेत आगा, बहुत बड़ा बड़ा खेत सी इंडे चावल का, जिया कि मैंने ड्राइवर मैडम बता रही से। ए महात्मा बुद्ध का छोटा छोटा मंदिर सी, यहाँ का मंदिर था ने इंडे हर जगह मिली ला, अलग स्थापत्य कला से अपना मंदिर आसु, लेकिन ए छोटा बड़ा हर जगह था ने बुद्ध का मंदिर मिली ला। This is the Rajasthani traditional dress. Oh yes. Lehenga chunni. It's really beautiful. Sadi is different. All different. Sadi is different. अभी मैं एंटर कर चुका था पुराना अयोध्या शहर में और ए राजा और राणे की फोटो लाग रही थी, यान की फोटो होर्डिंग इंडे हर जगह मिल जाए से। और वो सामान्य राजा को महल आगो जिंडे भी फोटो लाग रही थी। तो अम्मा की कार पार्किंग में रुकी और अब मैं घूमाला और मैडम ने का नींद निकाल ली। मैडम जागे हो अब तो अयोध्या आ गो। मैडम की सेल्फी वेल्फी वेरी से ओके यू कैन वेल यू कैन वेल देखो मैडम की सेल्फी खींच रही है। I love your dress so much.
The ticket is include? Yes. Okay. तो मैं जो 5000 रुपए दिया था बाकी मायने टिकट इंक्लूड से माने का इवन करनो। देखो ए थाईलैंड का राजा रानी और मैं ते समझ ही गया होला इंडिया का राजा रानी जा ओ छे इंडिया का राजा को पुराणु महल 8 बजे से 4 बजे तक एंट्री से और मायने वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ गने सिर्फ फोटो खींच सका छा। सबसे पहले अयोध्या में मैंने दिखाया सी राजा को महल मतलब इंडिया को पैलेस क्योंकि इंडिया का राजा अपने आप ने राम का वंशज मानी थी और अभी जो राजा थे बी को नाव से राम दसम यानी सो कोई नाम से इसो पहला को राम नवम छो तो यहाँ राम का नाम से आपको नाम निकाली सी। तो बाका महल में तो कहीं से कि मायने वीडियोग्राफी अलाउ को हालांकि फोटोग्राफी अलाउ जी तो मैं थानू खूब सारी फोटो दिखा वाला तो सुंदर सुंदर फोटो खींचे थे बड़ो प्यारो महल छो बहुत शांत और सुंदर एकदम सो। तो मैडम ने घूमता लगे भूख तो और मैंने लगे थिस तो पानी की बोतल ले लिया और मैडम आइसक्रीम ले ली। When you finish, you call me. I'll be coming up you here. मैं पूछा था पहला मंदिर में इन्हें 5 मंदिर पर सिद्ध थी तो अभी पहले बुद्धा जी को सारा मंदिर ही बुद्धा जी का थी। देखो देखो इंडे ए सब लोग प्रार्थना कर रहे थे बच्चा भी थी बड़ा भी थी मतलब आको पूजा करवा को तरीको थोड़ो सो अलग छे अपना मंदिर सो। मैडम हाथ जोड़ रही है और ऐसा मन है बुद्धा जी की प्रतिमा से क्योंकि इंडे मंदिरा में प्रसाद कौन छठे इंडे एक अनोखो तरीको से मोमबत्ती सी जो इंडे जलाई जाए सी बुद्धा जी के सामान है पानी में। अब मैडम भी मोमबत्ती जला रही है मतलब इंडे दिया का आकार की मोमबत्ती से बस जला और थे कोई भी मनोकामना मांग सको सो इंडे बुद्धा जी के सामान है। और देखो बहुत ही सुंदर दृश्य से वो ए दिया जल रही थी मोमबत्ती जल रही थी। देखो इंडे लिख मिले थी कि अगर था को जन्मदिन हुए तो 20 रुपया में एक कैंडल की दो दिया ने कैंडल बोल रहे थे और इंडे जलाओ 20 रुपये की मनोकामना पूरी हो गई। साइड में इंडे एक महात्मा जी भी बैठे थी जाके सब प्रणाम कर रहे थी और आपने जी जाड़ा लगा भी थी यहाँ को एक अलग ही तरीको से जाड़ो लगावा को। आगे मुख्य प्रतिमा जो बहुत ही विशाल काय छे और गोल्डन छे एकदम सोना जियान की मूर्ति और सब इंडे पूजा अर्चना कर रहे थी। साइड वसु देखो थे गोल्डन बुद्धा की बहुत बड़ी प्रतिमा और बड़ो मंदिर छे मतलब अत्रो सुंदर मंदिर छे और अत्रो शांत छे गजब। इंडे मंदिर में और भी बहुत सारी छोटी छोटी महात्मा बुद्ध की ए गोल्ड प्रतिमा सी। मैडम मंदिर की परिक्रमा कर रही है चारों तरफ तो अभी गाड़ी में बैठ और फिर एक दूसरा मंदिर की तरफ जा रहा था। वो सामान्य दिख रहे जो वो मंदिर से बहुत ऊंचो मंदिर से यहाँ का प्राचीन मंदिर से इंडे खूब सारा मंदिर में एंट्री करवाट है इंडे टिकट लागे से तो मैडम मैंने पहले से ही टिकट ले दी और 30 थाई बाट की टिकट से इंडे एक जना की ए देखो टिकटा थे। दोस्तों एच ही थाईलैंड अयोध्या का पुराना मंदिर महात्मा बुद्ध का जन पूरी दुनिया से देख पावी सी पर्यटक और बहुत ही ऊंचा ऊंचा मंदिर सी आकी जो स्थापत्य कला से अभी बिल्कुल अलग से और इंडे 5 मंदिर से मुख्य तौर से मतलब एक सेंटर में और 4 मंदिर चारों कोणा पर तो वो सबसे बड़ो मंदिर से इंडे को और देखो और सबसे प्राचीन भी आपा कह सका था। और सामान्य देखो थे महात्मा बुद्ध की कर्त्री सारी प्रतिमा लग रही सी मतलब इंडे महात्मा बुद्ध की तो थे गिनती कौन कर सको अत्री सारी प्रतिमा लग रही सी। देखो चारों तरफ था ना हर जगह प्रतिमा ही प्रतिमा मिली ली। मंदिर परिसर में माने इंडे का 2 स्थानीय नागरिक मिले बासु में बातचीत करवा की कोशिश करया हालांकि भाषा अलग अलग हो बाकी वजह से काफ़ी दिक्कत आई लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ जाने। अभी जो मेरे पीछे था ने मूर्ति दिख रही है आ महात्मा बुद्ध की लेटी हुई मतलब अवस्था में मूर्ति से तो बहुत ही बड़ी से मैं थाने फ्रंट कैमरा से दिखाऊँ छूँ सामान सूँ और देखो
पीला वस्त्र ओढ़ मिले सी महात्मा बुद्ध। प्रतिमा पर पीला वस्त्र चढ़ाया जा रहा सी और देखो सामूहिक रूप से बहुत जना वस्त्र पकड़ मिले सी और चढ़ा रहे सी। तो आइंडे की एक परंपरा छे। तो वो मंदिर तो देख लिया और अब चला था दूसरा मंदिर की तरफ। धूप बहुत तेज पड़ रही है, गर्मी खूब ज्यादा है। देखो गर्मी इतनी पड़ रही है कि यह मान लो पसीना सु पानी पानी होगा। वन बोतल बहुत तेज। तो देखो पानी भी बोतल लिया था, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, एक और बोतल ले रहा था। जज्जार शांति मिले। वो सामान है अयोध्या शहर को मेन सर्किल से। अभी देखो बिल्कुल हेरिटेज स्टाइल का बनोड़ा सी और ए यान का चारों तरफ स्वागत द्वार सी जहाँ का मैंने राजा की प्रतिमा लागी से फोट वाला लागी सी। तो अभी मैं पहुँच चुका सा अयोध्या की माँ की तीसरी जगह पर, मतलब तीसरा मंदिर में। और इंडे भी बहुत बड़ो मतलब मंदिरा को एक तरीका से समूह कैसे का था, हालांकि सब खंडित अवस्था में सी। देखो थे वो पूरो प्राचीन परिसर, कतरा बड़ा बड़ा मंदिर सी और कतरा सारा मंदिर सी। अभी सारा खंडित अवस्था में सी या एक तरीका से खंडर का रूप में सी। लेकिन सोचो आकी भव्यता जद ए मंदिर पूरी तरीका से आबा लियोड़ा विला जद कियाण का विला और कियाण को पूरो परिसर वेलो। अभी देखो ए जो सामान है मूर्तियाँ सी ए सब खंडित होड़ी सी या तोड़ोड़ी सी या अपने आप टूटोड़ी सी जो भी से, लेकिन परिसर बड़ो गजब से। नमस्ते। राम राम सा। 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 देखो आप तो सोचा था कि राजस्थान में खूब गर्मी पड़े थे, लेकिन इन्हें तो थाईलैंड में बहुत गर्मी से खूब तावड़ो पड़ रहे थे। नमस्ते। जयपुर। आई एम फ्रॉम जयपुर। व्हेन यू विजिट? Yes， 我们四个人，四个人。二零一六，我们说几盘还是？满月，我们好漂亮。2016，二零一六。2016。8 years ago。8 years ago， 结果2016年，राज स ् थ ा न घूमा गया था जयपुर। 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 Your country？ 满月，给我们。Your country？ China。China。China。My neighbor。India and China is neighbor country. Okay. Happy. Thank you. Thank you. तो मैं सब लोग आपस में सेल्फी लिया, मैं बिया के साथ लिया और एबीमा के साथ लिया और अब चला सा आगा ना। तो देखो मन है चीन को एक पूरो दल मिल गो छो, दल को मतलब एक पूरो ग्रुप मिल गो छो जो मान रुका लियो माँ के साथ सेल्फी ले बाट है। तो हालांकि माँ की भाषा सेम कौन सी ने बान अंग्रेजी आवाजी ने मान अंग्रेजी आवाजी, लेकिन फिर भी किया जी कम्युनिकेशन करया। और मैं बता रहे थे कि 2016 में राजस्थान और इंडिया घूम पाया था तो बड़ा खुश हो रहा था मैं। ओ ई परिसर को मुख्य मंदिर आगो, मतलब चारों तरफ मंदिर थी और ओ बीच में बहुत बड़ो मंदिर है, लेकिन पूरी तरीका से वो खंडित अवस्था में है। हालांकि पीछे की तरफ रिनोवेशन को काम भी चल रहे है, शायद इन्हें वापस यहाँ की भव्यता दी जाएगी जी यहाँ को पहले छो। नमस्ते। अभी मैं था न दिखा रही हूँ इंडिया की बहुत प्रसिद्ध जगह। ओ ए मेरे भी चाड़ी ने एक वृक्ष है, मतलब जो अपना बड़को पेड़ में बियाण को नीचे देखो मूर्ति से। अभी मैं था ने सामला के मरज दिखाऊला और वो विशाल अपने बड़का पेड़ जियाण को पेड़ से और जड़ा में आ मूर्ति से। अभी देखो ते सामान सू ओ देखो आप प्यारी सी बुद्धा जी की प्रतिमा जो बिल्कुल जड़ा के माँ कर निकल रही है और ओ विशाल पेड़ ओ ही इंडे को मुख्य आकर्षण से। इंडे सब जना सेल्फी ली थी, फोटो खिंचवाई थी।
तो मैं भी ले लिया था इंडे एक प्यारी सी सेल्फी और बड़ी शांत जगह से और इंडे में था ने दिखाऊँ देखो सब जना सेल्फी ले बाग लाग रहे थी फोटो खींच रहे थी और देखो लाइन लाग रही मतलब होड़ मच रही थी इंडे फोटो ले बाकी। अब तक आपने इंडिया में खंडित मंदिर देखा जा लेकिन आज थाईलैंड में भी बुद्धा का बहुत बड़ा बड़ा खंडित मंदिर देख और यह लागो कि दुनिया में हर जगह ही हर तरह का आदमी सी मतलब कुण तोड़े लो आ मंदिर ने सोचो अतरा गजब का जो मंदिर था मतलब आखी जद अपने आप में भव्यता लिया हुई अविला सोचो आखी काई निराली छटावेली। गर्मी तो खूब पड़ रही है लेकिन माँ को हौसलो बुलंद से क्योंकि मैं अयोध्या देख पाया था वो भी थाईलैंड में तो बतरी दूर आया था तो गर्मी सु का इंटरपा देख ही लिया था तो ओ माँ को करीब शायद चौथे या पांचवी स्थान से ना पांचवी स्थान से देखो वो छे अयोध्या हाँ अपने से अयोध्या तो थोड़ो सो फर्क है This is the Thai dress. Yes, Thai. Thai. Yes. Original traditional Thai dress. So beautiful dress. Thank you. इंडिया यार मजा आया देखो इंडिया मतलब खूब जना जो थाईलैंड की ओरिजिनल ड्रेस से ना जी आ राजस्थान की से भैया इंडिया खूब जना छी कुछ फोटो खिंचवा बाट छी और कुछ जना वैसे के जो ग्रंसु पहन रहे हैं भी लेकिन यान का खूब जना छी तो आप बड़ो अच्छो लागियो इते आई लाइक योर इंडिया राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस इन इंडिया ओके अमेजिंग थैंक यू थैंक यू वन फोटो प्लीज विद यू तो देखो मैं फोटो खिंचवा रहा था बिल्कुल ट्रेडिशनल थाई ड्रेस जो पहन मिली थी बाकी साथ देखो मंदिर वो भी खंडित है और बड़ो जोरदार से हाय हेलो 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 देखो छोटा छोटा बच्चा भी ड्रेस पहन मिले जी है दिस इज द ओरिजिनल थाई यस देखो मतलब थाईलैंड में जो पहले सैनिक में चाक बाकी आ ड्रेस से तो थाईलैंड का योद्धा के साथ भी फोटो खिंचवा लिया था मैं भी फोटो खींचा था और ए भी फोटो खींच रहे थे देखो आपका कैमरा सू तो इंडे सब जना मतलब ट्रेडिशनल ड्रेसा को इंडे क्रेज है। अब चल रहा था मंदिर का मेन परिसर में ये मंदिर को इतिहास का जो तो मैंने पता होने लेकिन ये मंदिर में थाई ड्रेस पेर पेर लोग बाग फोटो खिंचवा रहे थे दिस इज मुकुट 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 नमस्ते नमस्ते ब्यूटीफुल थैंक यू थैंक यू। देखो ऐसी सामान है महात्मा बुद्ध की खंडित मूर्तियां ऊपर कोई सो टूटोड़ो है बस नीचे कोई सोई बच्चो है और यहाँ का एक ही नहीं आपा सैकड़ों मंदिर खे सका था इंडे और हजारों की तादाद में मूर्तियां थी जो खंडित पड़ी थी। देखो मैडम ने मिल गई छतरी फोटो खिंचावाट है थाई छतरी और आ मैडम गंसू लिया था सब जना फोटो खींचवा गई लाग रहे जी तो मैडम भी खूब सारी फोटो खिंचवा लिया के साथ थाई छतरी ऑर्डर में भी थाई बन गया ड्रेस तो कौन पेर से गया लेकिन छतरी तो ओढ़ ही लिया देखो छोटी सी लड़की भी पेर में ली से थाई ड्रेस सो ब्यूटीफुल हेलो हेलो नमस्ते 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 सो क्यूट।
अयोध्या घूमता घूमता माने अब शाम हो बड़ी से, तो मैं अब जा रहा था वापस पुराना मंदिर में था ने दिखाई दियो, और नया देखो ईयान का मंदिर भी चींडे थाईलैंड में, जो हर जगह था ने मिल जाएगा छोटा बड़ा सब तरह का। तो दोस्तों ओचो मा को अयोध्या को वीडियो था ने कैसे उगला गयो माने कमेंट्स कर जरूर बताजो, और ए मैडम जी मैंने घुमाया बहुत ही अच्छा तरीका से बताया। मैडम से राम राम सा, राम राम सा। तो मैडम देखो राम राम सा खेतीज है, और अगर थे भी कदे थाईलैंड आओ तो बैंकॉक के पास में ही से अयोध्या जरूर देखवा जो। तो वीडियो था इनका शौक लगे हो कमेंट्स कर बता जो, और अगर चौकफो लगे हो तो इन्हें लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। देखता रहो राजू का सफरनामा, राम राम सा।